योग्य है। सत्संग में बैठना, बातें सुनना वाकई में बहुत आसान है, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है वहाँ हम देखें हमारा भगवत भाव कहाँ कहाँ पर है। सच में हम परमात्मा वाली नज़र लेके चलते हैं, क्योंकि जहाँ पर भगवत भाव होगा, भगवत दृष्टि होगी, वहाँ पर आपको ना किसी का कर्म दिखेगा, ना किसका स्वभाव दिखेगा, ना राग द्वेष होगा, ना कोई अच्छा बुरा होगा। मन में पवित्र भाव होगा, और पवित्र भाव का अर्थ है आनंद होना। जब अंदर पवित्रता आती है, ख्यालों से भी पवित्रता चाहिए। कभी कभी हम खाली इंद्रियों की पवित्रता समझते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु हमको कहता है ख्यालों की भी पवित्रता। और ख्यालों की पवित्रता का मतलब है द्वैत ना होना, दूजा भाव ना हो। जब तक दूजा भाव रहता है आप ख्यालों में पवित्र नहीं हो, लेकिन जब आपके अंदर से द्वैत भाव मिटता है तब आपको माना जाएगा कि आप ख्यालों से पवित्र हो, अंदर से शुद्ध हो। और अगर हमने ये शुद्धि धारण नहीं की तो हम ज्ञान के योग्य वैसे भी नहीं हैं। सबके अंदर जो द्वैत का भाव है वही तो सारे विकार पैदा कर रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुड़न, ये सब कहाँ से आ रहा है? द्वैत के भाव से ही आ रहा है। अच्छा, जो रीस होती है वो भी द्वैत के भाव से आती है। ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, ये ऐसा चल रहा है तो मैं भी ऐसा चलूं, ये भी कहाँ से आ रहा है? द्वैत के भाव से आ रहा है। क्योंकि जब अंदर ऐसी कोई भावना नहीं होगी तो हमारी पूरी नज़र ये रहती है मेरा आचरण सही कैसे हो जाए, मेरा आचरण सिद्ध कैसे रहे। हमारा जो उद्देश्य होता है ये हो जाता है। लेकिन जब अंदर द्वैत बुद्धि रहती है तो अपना आचरण संवारने की जगह हम दूसरों का स्वभाव चेक करते रहते हैं, और अपनी अच्छाई को सामने वाले की बुराई से बदल लेते हैं कि अगर ये ऐसे करता है तो चलो मैं भी ऐसे करूँगा, ये ऐसे चलता है मैं भी ऐसे चलूँगा। तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी अंदर के इस भावों से मार खा जाते हैं, शुद्धि नहीं रह पाती, अद्वैती नहीं रह पाते, आचरण सिद्ध नहीं कर पाते। पर जिसके अंदर ये सब फीलिंग्स नहीं हैं वही अपने आप को बना पाएगा। अभी समझो आज सब विश कर रहे हैं सुबह से, रोज़ डे रोज़ डे। अब रोज़ में क्या खासियत है? खिला हुआ रोज़, खुशबू देने वाला रोज़, कोमलता वाला रोज़, और हिंदी का रोज़ जाने तो भाई रोज़ रोज़ ऐसी स्थिति हो, नित्य स्थिति हो ये वाली, हमारे अंदर सच की खुशबू भी हो, करुणा की कोमलता भी हो, अंदर हमारे खिलावट रहे, बुझे ना रहें, मायूस उदास ना रहें, तब है ना मज़ा। अब अगर समझो तुम रोज़ ले आए, हैप्पी रोज़ डे, तुम अंदर से हैप्पी हो, तुम अंदर से खिले रहते हो, तुम्हारे आचरण की खुशबू से सब महक रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। जब तक ये नहीं जांचा, बाहर से कुछ भी किया तो क्या फ़ायदा? जांचने वाली चीज़ों को जांचेंगे ना। अगर थोड़ा थोड़ा अपने आचरण को, व्यवहार को हम परख लें और बना लें, हमारा बहुत काम बन सकता है। देखो, डिसिप्लिन किसको कहते हैं? कोई हमें डिसिप्लिन में चलाए, हम कहते हैं हम डिसिप्लिन्ड हैं। पर डिसिप्लिन उसको कहते हैं जब मैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड हूँ, क्योंकि आचरण में से खुशबू तो तभी आएगी। जो रोज़ कहा जाता है चरित्र से इत्र की खुशबू आए, तो चरित्र से इत्र की खुशबू निकालनी ना पड़े, अपने आप हो। जैसे फूल की खुशबू हम निकालते नहीं हैं, फूल खिला खुशबू आने ही लगती है।
हमारे चरित्र में वो खुशबू होनी चाहिए कि हमारा आचरण देख के, हमारा चरित्र देख के अपने आप ही सामने वाले महक जाएं, खुशबू आ जाए सबके अंदर। प्रयास हमारा उसके लिए चलना चाहिए। हमें कोई हांके तो हम ज्ञानी नहीं हैं, पर हमें किसी को सचेत ही ना करना पड़े और हमारा आचरण पहले से ही अच्छा हो, आचरण उसको कहा जाता है। भाई कह के कोई काम कराए हमसे तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे हम सेवादार हैं, पर हमारे अंदर सेवा की भावना इतनी अच्छी हो कि हमसे रहा ना जाए सेवा किए बिना, सेवादार हम तब कहलाते हैं। आज काम की भावना और सेवा की भावना, इन दोनों में फर्क तो है ही। जो व्यक्ति काम करेगा, आप घर में औरतें बहुत काम करती हैं, नो डाउट बहुत काम करती हैं। एक दिन एक आदमी घर आया, उसने देखा सारा घर बिखरा हुआ, ड्राइंग रूम में जूते पड़े, बच्चों के कपड़े पड़े, किचन में बर्तन फैले हुए, बेडरूम में गया तो ना सवेरे से बिस्तर सिमटे ना कुछ हुआ, वॉशरूम्स और गंदे। डर गया एकदम, भाई बीवी की तबीयत ठीक है? एकदम उसके पास गया, बोला तुम ठीक हो? हाँ मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आज ये घर क्यों इतना बिखरा हुआ है सारा का सारा? बोला कुछ नहीं, तुम रोज पूछते हो ना तुम करती क्या हो, तो आज मैंने कहा जरा कुछ नहीं करती, आपको पता चल जाएगा मैं क्या करती हूँ, देख लो घर। तो सच में लेडीज घर में करती तो बहुत हैं, सुबह से शाम तक करती हैं, उसके बावजूद खुशबू वाला मामला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि काम समझ के करती हैं और थकती हैं। जब हम किसी भी चीज को काम समझ के करेंगे तो हम कंपीट भी करेंगे, थकेंगे भी सही, पर जब हम सेवा की भावना में आएंगे तो छीन के भी करते हैं। गुरुद्वारे में जाके देखो, थाली छीनते हैं एक दूसरे से, क्योंकि भाव है सेवा का। ये जब तक जीवन में कुछ उत्साह अंदर से पैदा नहीं होते तब तक मामला गड़बड़ रहता है। अब हो सकता है कहने को हम लोग ये भी कहें कि यहां भी आने वाले बहुत सेवा करते हैं। कई बार होता है ना, बाहर से कोई आता है, यहां तो जी लड़कियां बहुत सारा दिन सेवा करती हैं, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि काम करते हैं सब, सेवा नहीं करते। सेवा करने वाला कभी दूजे को नहीं देखेगा, काम करने वाला देखेगा मैं कर रहा हूं ये तो सो रहा है, देखो बहुत हो गया अब मैं थक गया हूं अब मैं और नहीं करूंगा। किसको आया ये भाव? जिसको काम लग रहा है, जिसको दूसरा सोया हुआ दिख रहा है, जिसको दूसरा सेल्फ स्टडी करता हुआ दिख रहा है, लो भाई ये तो लिख पढ़ रहे हैं, ये तो सो रहे हैं, ये तो खा रहे हैं, मैं लगा हुआ हूं, काम नजर आया ना। जिसको काम नजर आएगा वो चोरी भी करेगा। सेवा चोर नाम ही नहीं है, काम चोर नाम है। कभी हैरानी से देखो आप, नाम नहीं पढ़ा सेवा चोर, पढ़ा कभी आपने शब्द सुना कहा गया हो सेवा चोर? नहीं, क्या कहते हैं? काम चोर। मां ने बच्चे को डांटना हो तू तो काम चोर है, कभी कहती है सेवा चोर है? अच्छा संतों ने कहा वो सेवा चोर? नहीं ना। सेवा और चोरी ये इकट्ठे होते ही नहीं। जो काम करता है वो काम से चोरी करना चाहता है, सेवा करने वाला कभी चोरी करना चाह ही नहीं सकता, क्योंकि सेवा इतना आनंद देती है, सेवा इतना प्रफुल्लता पैदा करती है कि अंदर ये फीलिंग ही नहीं आ सकती कि मेरे को काम करना पड़ रहा है। सेवा, दादा भगवान ने हम लोगों को ज्ञान के लिए भी यही सिखाया, ज्ञान सेवा। और आज अगर ना हो पाए ना अच्छे से, अंदर परेशानी होती है। भले सब बोलते हैं आप क्यों परेशान होते हैं,
आपने बहुत दिया है, सारी जिंदगी दिया ही है, क्या हो गया अगर एक टाइम जा रहे हो, क्या हो गया नहीं टाइम दे पा रहे हो। पर अंदर बड़ी परेशानी होती है कि हम तीन वेला खा रहे हैं, सेवा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अंदर बुरा लगता है, ऐसे लगता है गुरु ने जो काम दिया सेवा दी हमसे वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही, कभी खुशी नहीं आएगी। काम चोर खुश हो सकता है, सेवा अगर शरीर भी ना निकाले तो भी परेशानी हो जाती है, तो भी लगता है कि नहीं जितना हमसे हो पाए उतना तो कर लें, तो सेवा चोरी तो कभी हो नहीं सकती, होती है सारी की सारी काम चोरी, गड़बड़ है। देखो दादा भगवान ने आज हम लोगों को और कोई साधन नहीं बताया, एक सत्संग साधन बता दिया, एक सेवा साधन बता दिया, और कोई साधन बताया ना, ध्यान लगाना, ना समाधि लगानी, ना सुबह 4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाना, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ दो चीजें बता दी, सेवा और सत्संग। अब सेवा में तत्परता और सत्संग का मौका जहां मिले, अपने सुमरन का मौका जहां मिले, वहां भी अंदर वाले को पूरा पूरा शौक होना चाहिए कि मौका मिले तो मैं अपना सिमरन में लगूं, सत्संग में लगूं, अपना कार्य पूरा करूं, शौक आना चाहिए। अब दुनिया में संत लोग नाम दे देते हैं, भाई सुबह 4 बजे उठो नाम जपो बैठ के। दादाजी ने बंधन नहीं रखा, पर ये देखा गया, हम गुरु के पास जाते थे पहले सत्संग एक ही होता था, गुरु जी करते थे, जब हमारे टाइम तो 8:30 का सत्संग होता था, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ, 11 भी हो गया, जैसा उनकी मौज और कुछ शरीर का हिसाब भी हो जाता है, बड़ी बात नहीं। अब क्या देखा गया कि अगर सत्संग 11 बजे है, जो रहने वाले लोग खास तौर पे लड़कियां, कोई 7 उठता है, कोई 8 उठता है, आराम से नहाना 10 बजे नहाने जा रही हैं, 10:30 नहाने जा रही हैं, वो सत्संग पहुंच गए, पीछे से नहा के पहुंच रही हैं। कई बार तो भगवान ने जोश भी किया, कहा भी सही, जब बना हॉल भगवान ने बोला शेड्यूल बनाओ, पहले पहल सुबह का सत्संग रखो, सुबह सत्संग होगा, और उस सत्संग में कोई चोरी नहीं करेगा, पता होता था गुरुजी तो आएंगी नहीं, लड़कियां करेंगी सत्संग। फिर वो भी युक्ति करी उन्होंने, एक दिन एक की ड्यूटी, दूसरे दिन दूसरे की, भाई सारी उठ के सुबह जाएं, फिर भी पता होता था आज इसने सत्संग करना है, छुट्टी मार गए, आज ना तबीयत ठीक नहीं है, आज ना फलाना नहीं है। भगवान ने स्ट्रिक्टनेस कर दी, बोला मेरे को रोज सुबह आके जो सत्संग करेगा अंदर बताएगा कि कौन कौन प्रेजेंट था सुबह वाले सत्संग में। चलो वो एक मजबूरी हो गई, फिर क्या शुरू कर दिया, 6 का सत्संग है, कोई 6:15, कोई 6:30, कोई 7:45, कोई पीछे सीढ़ी में बैठ गया, कोई मूड़ा लेके गेट पे बैठ गया, सिर शीशे से लगा लिया, झपकी खा ली, अलसाते हुए बैठे रहे, चलो ड्यूटी है कि अंदर खबर पहुंच जाएगी। भगवान ने एक दिन बोला क्या ये सब मेरे ऊपर एहसान है, तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए कि एक तो तुम्हारे सुमरन के लिए हम सोचते हैं, क्योंकि तुम सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं हो, तुम वो समय सोने में और उसमें बर्बाद करते हो, तो हम सोचते हैं कि चलो इन लोगों का नियम कैसे बना दें, इनको कैसे बांध दें एक नियम में कि चलो इनका सुमरन चल सके। बात तो यही है ना, गुरु को सारा दिन फिक्र है हमारा सुमरन कैसे होए,
और हम सारा दिन ये सोचते हैं कि हम सुमिरन से भी कैसे चोरी करें, कैसे भाग लें। एक की तबीयत खराब होगी ना, उसको देख के दूसरा साथ लेट जाएगा, मेरी भी तबीयत खराब है आज ना, मैं भी नहीं उतरूंगा। क्यों भाई, कौन सी तबीयत खराब है? बाद में तो भगवान कमरे में बुला के तबीयत ही पूछने लगे थे, मुझे बताओ कौन सी तबीयत खराब है। और अगर तबीयत खराब है बोलते थे, मैं अभी डॉक्टर बुलाती हूं, पहले पता चले तुम सचमुच बीमार हो, आ रही है नींद, और बोल देना कि तबीयत खराब है, हम भी ना लेटे, सिर दर्द है, चक्कर आ रहे हैं। वो बोलते थे आने दो, तुम सत्संग जाके बैठो, ठीक हो जाएगा। लोगों को लेक्चर करते हो कि सत्संग में तन मन के रोग मिट जाते हैं, कट्टे जान देने दुख गुरु दरबार ते, तो तेरा नहीं कटता, तेरा नहीं कटेगा, तेरा क्या विश्वास है कि तू पड़ा रहे, अलसाता रहे, सोया रहे। और फिर बोल, अगर एक व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाए, मेरे से किसी ने बोला, आज सुबह ही बोला, एक अटेंडेंस रजिस्टर लगा दें। मैंने कहा ये शर्म से डूब के मर जाने वाली बात है, ये फिर साधक नहीं कहलाएंगे, ये गधे कहलाएंगे जिनको हम हांकेंगे। और जोरी से करवाई गई साधना, साधना कभी नहीं होती, वो साधना शौक से होती है, साधना भीतर के भाव से होती है, साधना प्यार से होती है। हम लोग भी जाते थे, हमको शौक होता था कि अगर भगवान के आने से पहले हम बैठे, हम दो भजन गाएं, माहौल बांधें, किसी का कोई प्रश्न है उत्तर दे दें, भगवान की वाणी चलाएं समय से। ये अपना शौक होता है कि रोज हम डायरी लेके बैठे, लाओ हम भजन गाएं, ऐसे ऐसे भजन गाएं सबको इंटरेस्ट आ जाए। आज भजन भाव का रखते हैं हम लोग भी, किसके घर जाते हैं, हम अपने शौक से आते हैं ना, हम अपने भजन सोच के आते हैं, हम ये वाले गाएंगे, मुझे शौक है सबको बांधने का। और सबसे ज्यादा आनंद मुझे ही मिलता है, मजा आ जाता है, वो एक घंटा ऐसे होता है, ऐसे होता है बस मेरे भगवान और मैं, दूसरा कोई है ही नहीं। आज दिल के सारे भाव पूरे करने का मौका बन गया, आज हृदय के सारे पुष्प चढ़ाने का मौका मिल गया। अपना शौक होता है ना, कोई कहे मुझे मजा नहीं आएगा, कोई मुझे बिठाए जबरदस्ती मजा नहीं आएगा। साधना भीतर से होती है। फिर हम जब जाते थे तो सत्संग साथ का भी कर दिया गया, हम लोग वॉक करके साथ से पहले पहले वापिस आ जाते थे, डॉक्टर बोलता था वॉकिंग जरूरी है, जाते थे 5:30-6 वॉक पे निकल गए, 7 से पहले पहले लौट आए, आके अपना भजन भी गाया, सत्संग भी अटेंड किया, अच्छे से सबसे मिले भी सही। ये अपना शौक होता है। अगर बाहर से हमको कोई कह रहा है, अच्छा पता नहीं कैसे सब लोग बैठ जाते हैं, हमको आज तक याद नहीं हम सत्संग में पीछे बैठे, पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता था। सत्संग कोई भी करे, मुझे करना है फिर तो कुर्सी मिलती थी, पर अगर और भी कोई कर रहा है, हालांकि सब बोलते ये थे कि आप साथ बैठो, हम बोलते थे क्या करना इतने लोगों को बैठ के, आपके सामने बैठे हैं ना, नीचे भी बैठते थे, पर ऐसा कभी नहीं किया इग्नोरिंग एटीट्यूड कि चल मैं तो सीढ़ी में बैठा हूं, चल मैं तो मूड़ा लेके पीछे, अरे आगे बैठे, शौक से हाजिरी तो मेरे भगवान के दर पे लग रही है ना मेरी, कौन बैठा है सामने, जो बैठा है वो मेरे गुरु का रूप नहीं, मैं अपने गुरु को हाजिर नाजिर कितना जान रहा हूं, मैं उनको ओमनी प्रेजेंट कितना जान रहा हूं, इसका मतलब तो मेरे अंदर चोर है, मैं बस उनकी फिजिकल प्रेजेंस देखता हूं तो मेरे को लगता है वो बैठे हैं, वरना मुझे लगता है वो तो है ही नहीं, है ही नहीं। भगत कैसा जो भगवान को मारे बैठा है ही नहीं, भगत हुआ वो, बदमाश हुआ, पापी हुआ, जो कह रहा है भगवान तो है ही नहीं। अभी आज तक रामायण पढ़ी जाती है, हनुमान जी आ बैठते हैं, क्या राम नहीं आते होंगे,
पागल आदमी क्या सोचते हो? हनुमान जी जब मानते हो, रामायण पढ़ी जाती है, राम जी आ जाते हैं, वो हनुमान जी, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जहां राम कथा वहां हनुमान प्रेजेंट, और हनुमान होंगे तो क्या राम नहीं होंगे वहां पर? कैसे हो सकता है ये? आज मेरे करीब रहने वाला कोई व्यक्ति आपको मार्केट में भी मिल जाए ना, आपका पहला प्रश्न होगा, भगवान भी आए हैं क्या? वो भी आए हैं? नहीं, आप कभी अकेले दिखते नहीं ना, इसलिए पूछा जाएगा ध्यान। हनुमान जी जो आ बैठेगा राम कथा सुनने, उसको कोई नहीं पूछेगा राम जी कहाँ हैं। हनुमान क्या राम को संग लेके नहीं आया होगा? तुम्हारी भक्ति में गहराई नहीं है, थोथापन है, उथलापन है, दिखावटीपन है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बनाया हुआ है, भक्ति दिल से है ही नहीं। दिल से उठने वाली भक्ति की लहरें, वहां तो दिशा ही अलग होती है भाई, बहुत अलग होती है दिशा। वो ये नहीं सोचेगा वो बैठे वो नहीं बैठे, उसको तो मौका मिल गया सिमरन का, वो सिमरन में लग जाएगा। मौका लग गया भगवान से प्यार करने का, मजा लेने का, आनंद लूटने का, वो आनंद लूटने में लग जाएगा। भगत तो वही है ना, हम लोग सब रहते थे ना गुरु के पास, तो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होके चलते थे, कभी इन बातों के लिए डांटी नहीं खाई, ना उन्होंने टोका कभी, कभी भी नहीं टोका। हालांकि कभी शरीर ठीक नहीं होता था, वो बोल देते थे, अच्छा तुम सुबह को नहीं जाना, पर हम सोचते थे गुरुजी के सत्संग में अगर जाएंगे अभी भी तो जा सकते हैं, लेटे क्या कर रहे हैं, उतर जाएं, बैठ जाएं, थोड़ा सुमरन हो जाएगा, और फिर मन को मोड़ना तो है, शरीर को भी थोड़ा तपाने की आदत तो डालनी है। ये अपने अपने नजरिए होते हैं असल में, जब तक नजरिए हम अपने अपने ठीक नहीं करेंगे ना, हमें कोई साधना भी नहीं करा सकता। गाइडेंस गुरु दे सकता है, लेकिन तपेगा हर एक अपने शौक से, जबरदस्ती किसी को तपाना वो उसका तपना होगा ही नहीं, शौक से प्यार से तो तप नहीं रहा, वो सिर्फ बाहरी दिखावा करेगा, क्या फायदा उसका? आप देखो ना, नॉन इंटरेस्टिंग होते हैं जो लोग, उनको बिठा भी दोगे वो इधर देख उधर देख टाइम पास करके उड़ जाएंगे। सेवा के लिए भी आवाजें मारते रहो, घर में सास होती है ना, वो बहुओं को आवाजें ही मारती रहती है, अरे आज खाने की किसकी ड्यूटी है, अरे आज कपड़े किसने देखने हैं, अरे आज तो वो तो ड्यूटी, ड्यूटी करने वालों के अंदर कभी प्यार नहीं आएगा, और जिसके अंदर प्यार है वो ये देखेगा ही नहीं कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कहेगा जो बन पाता है चलो मैं कर देता हूं झटपट, यही तो अंतर है। कई बार कई लोग शिकायत भी करते, जो मैनेज करता है हांकता है ना सबको, कईयों के अंदर शिकायत आ जाती है, अगला थोड़ा चिढ़ के बोलता है, गुस्से से बोलता है, कभी कहेंगे वो प्यार नहीं करता है। हम एक मिसाल देते हैं, घर में एक एक बहू होती है तो सास परेशान, जिसको 10 ऐसी नकचढ़ी बहुएं चलानी हो वो क्या करेगा, क्या करेगा वो? तुम उम्मीद रखते हो सामने वाले से, पहले अपना बताओ तुम्हारा आचरण क्या क्या है, अगले का चिढ़ना जायज हो जाता है, एक बहू से कितनी विक्षेपता होती है सास को, सवेरे से उठ के, भाई माई उठती नहीं टाइम से, सबसे पहला रोला, उठे हिले रसोई तक आए, टाइम से नहाए, कोई काम करे, बाजार से आई तो माई सो गई, या निष्काम से आके सो जाते,
सत्संग करके आए, आके अपना 2 घंटे सो गए। अब अगला व्यक्ति क्या करे, मेरे से शिकायत करते हैं, जो मैनेज करता है ना वो प्यार से नहीं बोलता हमसे, चिढ़ जाता है वो। मैं कहता हूं तुम बताओ ना, एक बेटी जवान होती है घर में, उससे मां सड़ मरती है, एक बहू होती है घर में, सास का बुरा हाल हो जाता है। भाई मैं अपना राज था, अपना काम करती थी, जान छूटी नहीं थी ना घर में। यहां जब तुम एक आदमी के सिर पे 10-10 हो और आचरण एक का सिद्ध नहीं, अगला क्या करे? कुड़कुड़ करते आपस में भी करते हैं, देखो दीदी ने डांटा, ऐसे मुंह बना के बोला, मेरे से बात करो, मैं पूछूं तुम लोगों को, अगले को बोलने की नौबत क्यों आती है? तुम ये बताओ, तुम पढ़े लिखे समझदार, सबको नियम कानूनी आके पता है, जानते हो ना सारा कुछ, फिर उसके बावजूद अगले को बोलने की नौबत क्यों आती है? कर्म उसका नहीं तुम्हारा बना, कोई भी होगा तुम खड़े हो जाओ। मैंने तो आज बोला उनका हर एक की एक एक महीना ड्यूटी लगाओ मैनेज करने की, घर पूरा लगाओ जरा ड्यूटी, पता चल जाएगा सिर के सारे बाल उतर जाएंगे, जब एक महीने में गंजे हो जाओगे, करके देखो। टीका टिप्पणी करना बहुत आसान है, किसी काम को बढ़ के करके देखो। 4 घर के लोगों का एक परिवार नहीं संभलता, घर नहीं सं, पूरा दिन काम करते हो, यहां 100-200 लोगों का घर तो रोज का काम है, 100 का तो है ही है रोज का, आप सोच के बताओ। अगर हम अपना अपना सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाएं, तुम तो अगले को भी भगवान नहीं देख रहे हो, कल पाते हो। अगर हम सब सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाएं, अगला भी शांति में, तुम भी शांति में। तुम्हें सुबह जगाना क्यों पड़े? तुम्हारे चरण कमल 7 बजे से पहले बिस्तर से बाहर क्यों नहीं निकलते है? इस बात का जवाब दो ना। जब तुम जानते हो सत्संग भी होना है, सारी सफाइयां भी होनी है, घर साफ होना है, नाश्ता भी बनना है, सबको टाइमिंग्स पता है, टाइम से उठो, टाइम से भजन में बैठो, टाइम से काम करो, सेवा करो, टाइम से नाश्ता करो, टाइम से नहाओ, टाइम से बैठ जाओ, कोई कुछ कहेगा ही नहीं। पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा अगले को जो बोलता रहेगा वो। लेकिन दिक्कत क्या है, तुम्हारी रहनी नहीं है अच्छी, रहनी है अच्छी बताओ। अगर तुम्हें मालूम है 6 बजे हमें भजन में बैठना है, तुम 5:30 के बाद बिस्तर में नजर ही नहीं आने चाहिए, बिस्तर सिमट के किनारे लग जाए, तुम्हारे हाथ मुंह धुल जाए, चाय का कप पियो और आके फ्रेश माइंड से बैठ जाओ, मुस्कुराते हुए अपनी भजन की डायरी लो हाथ में, क्या करेंगे? बाल बिखरे हुए, मुंह पे 100 चीटियां मरी हुई, ब्रश आधा अधूरा किया हुआ या ना भी किया, आके बैठ गए, हा 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 कर रहे हो, भजन गाया नहीं जा रहा, डायरी तो कभी बनाई नहीं, बनाई तो उठाई नहीं, सुबह की शुरुआत ही कितनी गंदी करते हो, ये साधकों की शुरुआत है। अपने से पूछो, क्या ये साधक का जीवन है? साधक की शुरुआत है, इतनी स्मूथनेस होनी चाहिए, क्योंकि हैंडल्स बहुत सारे हैं, इतनी स्मूथनेस होनी चाहिए बिफोर टाइम सारा काम खत्म है, सब फ्री हैं, सब मजे से बैठे हैं। तुम्हारा अगर गलती से एक शॉल भी बाहर रह गई ना, 4 बार जब तक कोई कहेगा नहीं शॉल अंदर रख, शॉल अंदर रख, तब तक शॉल अंदर जाएगी ही नहीं, वो बैग टैची के अंदर ही नहीं जाएगी, शॉल पड़ी रहेगी बाहर, टॉवल जो उतार के लाए छत से वो पड़ा रहेगा, अरे सवेरे तो फिर उठाना ही है, फिर सवेरे फिर उठाना है तो क्या, सवेरे तो तुम्हें फिर टॉयलेट भी जाना है, बुक कर लो, बैठे रहो वहीं पर, क्या जरूरत है बाहर आने की? बोलो सवेरे फिर आना पड़ेगा, कष्ट देना पड़ेगा अपने को, आज मैं यहीं बैठी हूं, खाना वाना यहीं भिजवा दो आज,
कैसा आलस है भाई। ये सच में अगर ये कमियां रह जाएंगी ना, परफेक्शन की उम्मीद मत रखना। आज सुबह मुझे किसी ने बोला परमार्थ तो सिद्ध हो जाएगा, व्यवहार रह जाएगा। मुझे बहुत विचार चला, नहीं होगा, परमार्थ का दिखावा हो जाएगा। जब किसी का आचरण नहीं है उसका लेक्चर भी तो बेकार है, तो परमार्थ क्या करेगा, वाणियां बना देगा, मैगजीन में छपा देगा, फिर क्या होगा। जब तक किसी का व्यवहार नहीं है, आज अगर हमको गुरु ने हर चीज से निकाला ना होता ना हाथ से, हम तुम्हारी भी मार खा रहे होते जो अक्सर लोग खा रहे हैं। हमारे गुरुजी का ही सत्संग करने वाले लोग बहुत पिट रहे हैं अनेकों जगह पे, उनके सत्संग ही उनको चलाते हैं। उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जो आता है वही चला के चला जाता है, हर कोई अपनी मारता है। अनुभवहीनता बहुत बेड़ा गर्क करती है, चलाते हैं सारे, चलाते हैं, कोई एक ऐसा नहीं जो चलने आया हो, चलाने आए। प्यार सारे दिखाएंगे बड़ा सारा, और सारे उसके एक इधर मोड़ेगा एक इधर मोड़ेगा, वो बेचारा मनाता ही रहेगा, एक को मनाऊं दूजा रूठ जाता है। आप उसके कहने से क्यों चले, आप उसके कहने से वहां क्यों गए, आपने उसके कहने से खा क्यों लिया, आपने फलाना क्यों किया, घोटाला ही घोटाला। वो बेचारा बैठ के रोता है मैंने सत्संग करके मुसीबत मोल ले ली क्या, अनुभवहीन है क्योंकि किसी के आगे मरा नहीं था। तो ये ना सोचना व्यवहार के बिना परमार्थ सिद्ध हो जाएगा, वहां भी नहीं सिद्ध होने वाला। जितना मर्जी लेक्चर करे आए किसी को असर कुछ नहीं होना, क्योंकि उसके अपने जीवन में कुछ नहीं। तो व्यवहार के बिना परमार्थ भी नहीं। और जब कोई व्यक्ति लगता है अपने को बनाने में, तभी वो दूसरे की पोजीशन भी समझ पाता है। नॉन अंडरस्टैंडिंग का कारण एक होता है प्यार का अभाव, एक होता है अपने अंदर सेवा का अभाव, भावों का अभाव। ये दो बहुत बड़े रीजन है नॉन अंडरस्टैंडिंग के। आज हम समझ सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि एक के सिर पे दस हैं वो क्या करें, क्योंकि हम लोगों को गुरु ने दिखाया, मैनेज करवाई चीजें। और सच में उस समय परेशानियां आती थी, क्योंकि हर भेड़ का अपना मुंह और वो अपना चलेगी, सुनेगा ही नहीं कोई। तब पता चलता है कि जब दस को बांध के चलाना हो, ऊपर से बराबर की एज हो, रिस्पेक्ट ही नहीं करते अगले, सुनना समझना ही नहीं चाहते अगले, जिम्मेवारी का एहसास ही नहीं है किसी को। तो मैं समझ सकता हूं कि जब दस को ऐसों को चलाना पड़ता है तो दिक्कत बहुत आती है। पर ये नॉन अंडरस्टैंडिंग क्यों है, नॉन कोऑपरेशन क्यों होता है, क्योंकि एक तो आपसी प्यार का अभाव, दूसरा सेवा के भाव का बड़ा अभाव है। समझ ही नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि तुम सोचोगे अगला कह रहा है, अगले के घर का काम थोड़ी है। सेवा तो सारी सतगुरु को समर्पित हो रही है, किसको समर्पित हो रही है, सेवा तो सारी सतगुरु को अर्पण है। ये बात भूल जाते हैं। ऐसे स्थान पे रह के एक भी अमर्यादित क्रिया तुम्हारे सिर पे पाप बनती है, ये तुम्हें एहसास होना चाहिए। भगवान बोलते थे हमारे यहां रहते हो खाते हो, तुम्हारे सिर पे पाप है कि 5:30 उठने का टाइम है, तुम 6:30 तक सो रहे हो। अमर्यादित सब क्रियाएं एक पाप गिना जाएगा तुम्हारे सिर पे। विचार किया उसका, अपना विचार नहीं। चले हम ब्रह्म ज्ञान का पार पाने, और चीरा तो हमसे देह अध्यास जरा सा भी नहीं जा रहा, काम कैसे बनेगा। औरत ने देखा आदमी के सिर पे बड़ी चोट, जबरदस्त चोट, खून आ रहा है,
क्या हुआ आपको, चोट कहां से लग गई? दोस्त ने ईंट दे मारी मेरे सिर में। तो आप मार के आए, आप नहीं मार सकते थे, आपके हाथ में कुछ नहीं था। था मेरे हाथ में, क्या था? दोस्त की बीवी का हाथ था, समझा? ये जन्मों जन्मों के देह अध्यास का जो हाथ पकड़े रहोगे ना, रोज सिर फुड़वाओगे अपना, ब्रह्म ज्ञान का पार नहीं पा सकोगे। सुख बुद्धि आलस, जब तक इनका साथ पकड़े रहोगे, कंपटीशन कंपैरिजन, दूजों को देखना, जब तक इस सब का हाथ पकड़े रहोगे, ब्रह्म ज्ञान का पार नहीं पाया जाएगा। बैठे रहो, सारी जिंदगी बैठे रहो, यूजलेस रहोगे, एकदम एकदम यूजलेस रहोगे, तुम्हें अपने कर्मों का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई रोकेगा अपने को, संयम करेगा, तब तो उसको अपने स्वभाव पता चलेंगे। भाई आज हम सुबह उठें, सोचें उठना है, तब तो पता चलेगा मेरा मन कितना आलस दिखाता है, वरना क्या पता चलेगा। रोकें अपने को खाने से, तब पता चलेगा मेरा मन कितना जाता है रसों में। जब हमने किसी काम से अपने को रोका ही नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? मेन बात तो ये वाली है, हम चलते जाते हैं, जैसे मन आता है चलते जाते हैं, फिर सोच रहे हैं हम यहां ना कुशल हो जाएं। ब्रह्म ज्ञानी होना मजाक नहीं है, ये घटना हृदय में घटा करती है, जबान में नहीं घटा करती। हृदय को तैयार करने की साधना चल रही है सारी, चाहे वो सुमरन है, चाहे वो सेवा है, चाहे वो सत्संग है, ये सारा हृदय को उतना कैपेबल करने की तैयारी चल रही है। इतने दिन रामकृष्ण के पास विवेकानंद आता रहा आता रहा आता रहा, तैयार करते रहे वो उसके हृदय को, और वो भी करता रहा। फिर जिस दिन आया, अपनी माँ से कहो मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, कहते हैं तेरे से भी माँ बात करती है, कह दे। तीन बार गया, पर ज्ञान बुद्धि बल विवेक ये सब मांग के वापस, चिल्लाने लगा, तूने और तेरी माँ ने मुझे पागल बना रखा है। रामकृष्ण ने देखा हृदय तैयार है, बिल्कुल तैयार है। वो पास आके बैठा हुआ था उनके चारपाई के, अपना अंगूठा उसकी छाती पे लगा दिया, घटना घटा दी। हृदय तैयार था ना, तैयार हृदय में गुरु ने घटना घटा दी, बोध जगा दिया। ये समझ के चलो कि जितना भी कर रहे हो किसी के लिए नहीं, हृदय को उस लेवल पे लाने की तैयारी चल रही है। तैयार कर रहे हैं हम अपने हृदय को, लायक बना रहे हैं। राजा जनक लायक आया है, एक स्पर्श एक थप्पड़ अष्टावक्र का काम कर देता है। हृदय को तैयार कर रहा हूं मैं, ये कभी मत सोचो काम कर रहा हूं मैं। भजन मजबूरी है, भजन की क्लास है, भजन गा रहा हूं, नो। ये सारा समय तुम 24 घंटा यहां बैठ के सिर्फ अपने हृदय को तैयार कर रहे हो, कोशिश चल रही है उस लेवल को अटेन करने की जहां वो जोत जलाई जा सके, जहां उस बोध को जगाया जा सके, तैयारी चल रही है। और आप सोचते हो मैं काम कर रहा हूं, आप सोचते हो मजबूरी है, यहां तक के सुबह उठने से लेके रात सोने तक बंदगी के सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए। जन्मों जन्मों की मैल है, धुले कैसे? जन्मों जन्मों का अज्ञान कटे कैसे? ये भी तो सोचो। जन्मों के देह अध्यास की जो धुली समाई थी, शांति ना पाई थी,
हर तार में अब सोहम का तराना भर दिया। ये इतना बड़ा परिवर्तन लाने के लिए गुरु को मेहनत तो करनी पड़ती है ना, पर साथ साथ आपका श्रम। एक शादी होती है लड़की की, कितने महीने पहले तैयारी शुरू, पार्लर जाना शुरू और पता नहीं क्या क्या कपड़े लत्ते चीजें, तैयारी तैयारी तैयारी, शोर ही हो जाता है भाई शादी की तैयारी हो रही है। सिर्फ एक जन्म में पति को पाना, अगले जन्म तो दूसरा। ये जो जन्मों जन्मों से बिछड़ा पति परमात्मा पाने चले हम लोग, कभी हम विचार करते हैं कि उसके लिए हमें अपने को कितना तैयार करना है, बनाना है अपने को, कितना मोड़ना है अपने को, कितना चेंज लाना है अपने स्वभावों में। जब तुम्हें इंडिविजुअली दांत पानी है तो फिर बनाओगे भी तो इंडिविजुअल अपने को ना। कभी देखो कितनी अफसोस वाली बात, निष्काम पे भी जाओ, प्रिपेयर हो के वाणियां पढ़ पढ़ के जाते हैं, भी सारा दिन बैठ के वाणियां पढ़ो, शाम को जाके भौंकना है क्योंकि सत्संग करना है। मतलब कभी ये शौक नहीं आता भगवान मेरे हृदय को इतना बनाओ, मुझे इतना अनुभवी बनाओ, भीतर का प्रवाह खुले, अनुभव की वाणी खुले भीतर से। ये तो टीचर की तरह लेक्चर हो गया ना, लेसन प्रिपेयर करके तुम चले गए, बोल बोल के आ गए, इफेक्ट किसको होगा? किसी को भी नहीं, क्योंकि ये लेक्चरार का लेक्चर है, अनुभवी की वाणी नहीं है। जब अपने पे लागत लगाई हो, मेहनत की हो, अपना मन मोड़ा हो, खून के आंसू रोए हो एक एक इच्छा को वश करने के लिए, तब वो जो भीतर का अनुभव बाहर आएगा वो किसी की प्रेरणा बनेगा। ढूंढ लो वाणियों से दृष्टांत, ढूंढो अच्छी अच्छी पॉइंट्स ढूंढो, लोग हैरान हो जाएंगे, वाह क्या ज्ञान बोलते हैं, क्या दृष्टांत इनको आते हैं, चोरी का माल सारा का सारा, चोर बाजार लगा दिया, पर अंदर हलचल हो कि मैं इतना अनुभव में क्यों नहीं उतर रहा हूं कि मेरे भीतर का स्त्रोत्र खुले, मेरे ये देह अध्यास के स्वभाव और कर्म कब हटेंगे, ये काई कब हटेगी, मैं अंदर से कब जागूंगा, मैं विवेकवान कब बनूंगा, सोच के देखो ना, कभी ध्यान करके देखो, मंजिल कहीं और है, हम चल कहीं और रहे हैं। एक एक क्रिया इबादत नहीं है अभी कि हर क्रिया इबादत लगे, एक चम्मच भी उठाओ तो भक्ति भाव से, एक भोजन की थाली भी लगाओ किसी की प्यार और भक्ति भाव से, एक गिलास पानी भी पिलाओ किसी को, तुम्हें भक्ति अपनी महसूस हो। जब तक हृदय इतना नहीं भीगेगा कैसा ज्ञान, कैसा सत्संग? ये तो बातें हो गई ना कोरी, आचरण में तुम कहां अपनी गारंटी लेते हो कि हाँ मेरा इस पॉइंट पे आचरण ठीक है? अपने से सच्चे हो ना, हम नहीं पूछ रहे, सिर्फ अंतर्मुख होके अपने से पूछ लेना, तुम्हें ए टू जेड किसी एक पॉइंट पे अपने लिए खातरी है मैं ठीक हूं, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, चलने में, पहनने में, खाने में, किस चीज में तुम्हें खातरी है कि मेरा यहां आचरण ठीक है? पूछ लो अपने आप से, विचार कर लो अपने अंदर, तुम्हारा आचरण कहां ठीक है? जब तुम्हें अंदर से खुद खातरी नहीं है, कोई और तो क्या खातरी करेगा? पहले तो हमको खातरी होवे ना,
मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, मुझे कोई वॉच कर रहा है या नहीं कर रहा, यह भी मैटर नहीं है। मेरी अपने साथ ईमानदारी क्या है, मैंने मन को कितना जीता। मन तो आलस दिखाएगा, मन तो आराम दिखाएगा, लेकिन ईमानदारी मेरी अपनी, कहां मुझे जरूरत है और कहां मैं मन के वश हूं। सिर्फ अपनी ईमानदारी आ जाए, काम बन जाए। पर ईमानदारी आती नहीं, मन तुम्हें अपने साथ बेईमान बना लेता है। तभी तो स्थान की मर्यादा, समय की मर्यादा, गुरु की मर्यादा सब रौंद के चलते हो पैरों से। रौंदी तो दिया ना, जब हमने किसी नियम की पालना नहीं की तो रौंदने वाली बात हो गई। जब हमने भीतर से आदर नहीं किया किसी चीज का तो रौंदने वाली बात हो गई। रौंद के ही तो चल देते, दिखावा नहीं, भक्ति दिखावा नहीं, भक्ति हृदय से आती है। आनंद भी उसी भक्ति में होगा जो भक्ति हृदय से उठेगी। उसमें आनंद बिल्कुल नहीं है जो भक्ति हृदय से उठ ही नहीं रही है। हमेशा अपने को बना के चलना है, दूसरी तरफ कभी मत झांको, क्योंकि मुझे अपने लिए वक्त बहुत कम है। क्या देखें दूसरे को, अपना तो दाव पूरा हो जाए बड़ी बात हो जाएगी, अपनी मंजिल मिल जाए बात बड़ी हो जाएगी, पर अभी तो अपनी मंजिल मिल नहीं रही। हमें जो भी सेवा में घिसना है या हमें जो भी जीतना है उसके अधिकारी, उस रिवॉर्ड के हम खुद ही बनेंगे, सामने वाला नहीं। ये सब हम अपने लिए बटोरा करते हैं, किसी के लिए नहीं। ये सब साधना मुझे फायदा देने वाली है, मेरे अंतःकरण को बनाने वाली है। बाहर कुछ नहीं, जितना बाहर निकलोगे कंपैरिजन करोगे साधना हाथ से छूटती जाएगी। साधना छूटनी नहीं चाहिए, पकड़ के रखो एक गुरु को एक अपनी साधना को, बहुत कस के पकड़ना है। जिस दिन इन दोनों में से कुछ भी निकल गया हाथ से, तुम बैंकरप्ट है, दिवालिया, कुछ नहीं बचेगा हाथ में। तभी पार्टिसिपेशन हर क्रिया में, देखो गुरु के पास जो कुछ होता है हर चीज में बढ़ के पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे वो भजन है, चाहे वो सत्संग है, चाहे वो सेवा है। मैं बढ़ के पार्टिसिपेट करूं हर चीज में, मजा तब। बैठो गुरु के पास, जैसे भजन गाते हो, जो देवे सो खाई, पक्खा फेरा पानी ढोवा, जो देवे सो खाई। अच्छा, अगर कुछ साल जो मिलता है हम वही खाएं, और मिलता बहुत ही अच्छा है, कमी नहीं है, फिर भी जबान के चोचले नहीं रुकते,
सिद्ध नहीं है ना जो देवे सो खाई। मन कहता है मैं खरीद के भी खाई, बाजार से लाके भी खाई, मजा आएगा। जो देवे सो खाई पे नहीं हो, रस रस है जबान की, बड़ी मजबूरी है, रस घसीटते हैं। पर कभी अंदर वाले ने विचार ही नहीं किया, गा गा के छोड़ दिया, पक्का फेरा पानी ढोवा जो देवे सो खाई। सचमुच तुम वहीं खड़े हैं जो देवे सो खाई। कभी तुमने इच्छा नहीं की मुझे ये खाना है, कभी तुम्हारी नजर नहीं गई दूसरा ये खा रहा है मुझे भी खाना है, कभी तुम्हें बाजार से निकलते हुए ख्याल नहीं आया ये भी खरीद लूं, ये पैकेट भी ले लूं, चल पर्स में रखता हूं खाऊंगा मजे से, अकेले कहीं जा रहे हो मन में नहीं आता खाऊं। ईमानदार कहां हो, फुल बेईमान। विचार करो, भूख से इंसान नहीं खाता, भूख से तो बहुत कम खा के भी गुजारा होता है, बाकी सारा जबान का रस। तुम्हें भूख लगती है पिज्जा की, भूख लगती है बर्गर की, है ना, कोल्ड ड्रिंक की प्यास लगती है, खोज करके देखो जो देवे सो खाई कहां पर है। तुम्हारा तो मन चस्के लेता है, बहुत बहुत चस्के, और कभी कभी अपना चस्का नहीं होता, दूजों को देख के चस्के आ जाते हैं। अच्छा ये फलानी चीज लाके खा रहा है, मैं भी लाऊंगा कल। टेंशन ये नहीं है कि उसने खाया या तुम्हें किसी ने मना किया, टेंशन ये है कि तुम्हें दूसरों को देख के रीस आती है। संयम की रीस कभी नहीं आती। अच्छा किसी के संयम से रीस करो, रीस करो, गुरु के ही संयम से रीस करो, मर जाओगे एक ही दिन में, भूख से ही मर जाओगे। संयम से रीस करने का मन नहीं करता, कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो संयम में है, संयम से कोई रीस नहीं करता, संयम तोड़ने वालों से सब रीस करते हैं। करवा चौथ रखते हैं ना, पता चल जाए फलानी ने पानी पी लिया पंडित जी से पूछ के, तुम्हारा भी मन करेगा पंडित जी से पूछ लूं मैं भी, फलानी ने तो सास से ही पूछ लिया, कहेगी सास को आज्ञा दे दो आप मुझे, मजा ले सास की आज्ञा ना दे, भैया बेटा मरेगा या सास मरेगी इससे अच्छा वो कहती है पी ले, एक तो मरेगा। संयम की रीस नहीं करता अंदर वाला, जबकि वो करनी चाहिए। उसकी रीस नहीं करेगा जो एक्टिव है, जो हर काम में आगे बढ़ के, हर सेवा में आगे बढ़ के, सुबह उठने में सबसे पहले, उसकी रीस नहीं करेगा अंदर वाला, उसकी रीस करेगा जो देर तक सोया हुआ है। मुझे कोई कहेगा तो मैं कहूंगा ये भी तो सो रहा था। तो अंदर तुम्हारे ये है ही नहीं ध्यान कि तुम साधक हो, उल्टी गति जा रही है, बिल्कुल उल्टी विपरीत दिशा। असंयम वालों से रीस है, और असंयम भी नहीं हो सकता, कोई सचमुच बीमार भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम सबके साथ बीमार, सबके साथ तुम्हें खाना, सबके साथ सोना, जिस फ्लोर पे कोई सोए उसी पे सोने जाना है, सबके साथ सोना है, सबके साथ खाना है, सबके साथ रीसम रीसा करनी है, और तुम्हें देखना तो गुरु को था। पहले दिन से तुम्हें क्या बताया था, किसको देख के चलो, मेरे सतगुरु का जीवन आदर्श है हमारा, और तुम सोचते हैं सतगुरु तो बना ही तपने के लिए, वो तपे बैठा, मैं तो मौज करूं। पर फिर वही बात आ गई, अगर सतगुरु का तप देख के तुमने अपने को नहीं तपाया, तुम फिर गए काम से,
फिर फिसलोगे, फिर लुढ़कोगे। हम तो बिठाए रखेंगे यहां, पर तुम्हें कुछ ना कुछ मन गलती ऐसी करवा जाएगा, बदनाम हो जाओगे विश्वामित्र की तरह और लोगों की तरह, क्योंकि अपना ओन वैराग और संयम तो जागा ही नहीं है अभी तक अंदर से। जबकि सत्संग में पांव रखते ही ये चीजें जाग जानी चाहिए, विवेक, संयम, वैराग वृत्ति, और ये इतने कड़े हो जाने चाहिए कि गुरु को देख के एतबार जागने लगे कि ये अपनी रक्षा कर सकता है। बड़े से बड़ी स्थिति इसको हिला नहीं सकती, और तुम्हें तो टके का रस हिला देगा, टके की सुख बुद्धि हिला देगी, टके का सोना हिला देगा। देखो ना अपने जीवन में, देखो तुम्हें नो कहने का पावर कहां कहां आया है? आया कहीं पर? कहीं भी नहीं। सुबह सुबह उठ के मन आलस लाता है, ले ले पल्ले मुंह ते तरदा, कहता है डाल मुंह पे रजाई सो जा, सुता सुता नहीं रजदा। लेकिन ये विचार आता है मन साडे आखे नहीं लगदा, असी लगी है ना मन दे आखे। सुबह सुबह उठते ही मन को नो करना नहीं आया। साधक के जीवन की शुरुआत क्या हो रही है, दिन की शुरुआत क्या हो रही है? कुछ खाना सामने आया तो नो नहीं किया जाता, कोई चीज सामने आए तो नो नहीं की जाती। आने दे, आने दे, कोई बात नहीं, आने दे। जैसे ही सूट आएगा सामने, मन कहेगा सारे खराब हो गए हैं मेरे, अच्छा ही है, चल। सोना चांदी कुछ आ जाए सामने, चाहिए, खराब हो गया पहले वाला, चाहिए। कहीं तुमने नो करके देखा? मेरे को एक लड़की ने बताया, बोला मेरी माँ कहती है तूने ये जो चेन पहनी है ते खराब हो गई सारी, घिस भी गई है, नहीं लेके देती हूं। कहती है मैंने चेन उतार के दे दी, अगर आपको लग रहा है कहीं भी टूट के गिर जाएगी आप संभाल लो, मेरी जान छूटी। वो भी दे आई, कह रही है मुझे लगा लेके क्यों आऊं फालतू में, जरूरत ही नहीं, एक पंगा ही तो है गले में, सारा दिन संभालते रहो। वो भी उतार के रखे आई घर में। नो कहने का पावर है, तुम्हारे पास कौन सा पावर है? जरा सा कोई हड्डी दिखाए पूंछ हिलाते वहां खड़े हो गए। अपने जीवन से सोच के बताओ, सुबह उठ के रात सोने तक तुम्हारे पास मन को नो कहने का पावर कहां कहां आया है? कितने सुजागो अंदर से हर क्रिया में कि ये मन है और विवेक की आवाज कुछ और है, मैं साधक हूं, मेरे को मन के कहने से नहीं चलना। बताओ कहां कहां आया नो कहने का पावर? करो विचार, ध्यान दो। हम लोगों ने तो वो समय भी देखा जब बहुत अच्छा नाश्ता कहीं से आया हुआ, बाहर से कई लोग ले आते थे, दाल पकवान, कभी छोले भटूरे, कभी कुछ आ जाता था, और देखा भाई शायद संगत ज्यादा है, पूरा नहीं होगा, पीछे हट जाते थे, पहले संगत खा ले, हम लोग तो ब्रेड चाय भी ले लेंगे। तुम्हारा मन क्या कहेगा? पहले खा छोड़ूं, बाद में तो बचना नहीं, कम दिख ही रहा है मुझे। तुम तौल सकते हो, त्याग वैराग की वो ताकत जिस पर मन की मौजों का मदार है, वो ताकत कितनी पैदा हुई है अंदर से। त्याग वैराग जी ताकत ते आहे, मन जी मौजन जो मदार। मन का जो आनंद है ना, इसका मदार, इसका आधार क्या है? त्याग और वैराग की ताकत। खोजना वो ताकत कितनी बड़ी अंदर, वो पावर कितनी आई है अंदर। मेरा मन ज्ञान के सिवाय, गुरु के सिवाय किस चीज में जाता ही नहीं। जो आया पहन लिया, जो सामने आया खा लिया, ध्यान ही नहीं जाता दुनिया भी है कोई चीज। वो स्टेज अटेन की हमने, वहां पहुंचे, जागे अंदर से,
जब तक हमारे अंदर संयम नहीं है तब तक इस मार्ग पर पहला पैर भी नहीं है। असंयमी एक कदम भी बढ़ा नहीं सकता है, वहीं खड़ा रहेगा, बस वो कदम ताल करके सोच रहा है मैंने काफी मेहनत कर ली है, काफी कदम बढ़ा लिए, वहीं है। संयम के बिना तो एक पैर नहीं उठ सकता है। खाली भगवान बोलना नहीं, जो राम हैं उन्होंने श्री राम होने के लिए कितनी बड़ी यात्रा की, ऐसे ही राम श्री राम नहीं हो गए। संघर्ष, संयम, बहुत कुछ उनके साथ चला इस यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में। त्याग वैराग की ताकत रखी उन्होंने, तब कहीं जाके राम श्री राम हुए, भगवान राम हुए। तेरी आध्यात्मिक यात्रा में अगर मन से तू संघर्ष नहीं कर पाएगा, तू जीव रहेगा वही का वही रहेगा। बहुत विचार करके चलना। वो गीता भगवान जैसे, दादी पुनवानी ने घर में गए, सत्संग था, चादर बिछा के रखी कश्मीरी कढ़ाई की, भगवान आके बैठेंगे, सबसे पहले उठा के चादर फेंकी, बोला मैं जमीन में तुम्हारे साथ बैठूंगी। निष्काम में भी इतने सावधान, इतने सतर्क, किसी ने चादर बिछाई है वहां भी नहीं बैठने का। अगर कोई ले आया अकेले भाव से, सड़ते रहे तीन दिन बाद बोला उतार के ले जा। कोई बना लाया पिस्ते बादाम वाला दूध, नाली में डाल दिया, आदर्श नहीं है हमारे आगे। पर ये आदर्श हमारे जीवन के आदर्श हैं, ये चेक करना है, वरना भगवान बोलते ही रहोगे, जीव के जीव बने रहोगे। क्यों भर्तृहरि ने रोया, इच्छा तूने मुझे भगवान से जीव बनाया, आप क्या निर्जीव बनाएगी, जब पान की थूक में हाथ मार बैठा लाल समझ के। हम कितनी बार हाथ मारते हैं दिन में इच्छा के कारण, विचार करें, विचार बिना काम नहीं। आई बात समझ में?